देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। इसी बीच कोरोना का एक अजीब तरह का केस सामने आया है। पोस्टमार्टम के लिए लाई गई लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला कि बॉडी में कोरोना का संक्रमण था। इसके बाद पोस्टमार्टम में शामिल सभी डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह मामला लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में सामने आया है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम हाउस को भी एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब पहले पोस्टमार्टम हाउस को सैनिटाइज किया जाएगा, फिर इसे खोला जाएगा। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम में शामिल डॉक्टरों समेत अन्य स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि देश भर के साथ गाजीपुर में भी कोरोना के नए पेशेंट सामने आए हैं। मुंबई से आए प्रवासी लोगों में से गुरुवार को 4 नए कोरोना के संक्रमित पाए गए। गाजीपुर के डीएम ने लोगों से अपील की है कि अभी भारी संख्या में प्रवासी आएंगे, ऐसे में गाजीपुर के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कराना चाहिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम आप तक ऐसे ही खबरों को पहुंचाते रहें।